हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप मिंत्रा के एग्जिस्टिंग सेलर है या फिर हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है मिंत्रा पे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एग्जिस्टिंग लिस्टिंग की इमेजेस को कैसे रिप्लेस करना। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना होगा मिंत्रा का पार्टनर पोर्टल अकाउंट। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो, आपको आना है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे ऑपरेशनल रिपोर्ट करके आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टोर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है मिंत्रा, ठीक है। पार्टनर टाइप एम डायरेक्ट, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा ना पार्टनर टाइप, किस कौन से मतलब टाइप में जाना है, वो टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा एम डायरेक्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एम डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है लिस्टिंग रिपोर्ट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद जनरेट रिपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, 15 या 20 मिनट लगेगा रिपोर्ट जनरेट होने में। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी लिस्टिंग है लाइव, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पहले से कर रखा है दोस्तों, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। वो इसीलिए ये रिपोर्ट डाउनलोड करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें से मुझे कुछ प्रोडक्ट की इमेजेस चेंज करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है लिस्टिंग रिपोर्ट फाइल जो हमने डाउनलोड किया था वो, ठीक है। जैसे हम ओपन कर लेंगे तो कई सारे कॉलम्स आपको वहां पे दिखेंगे, लेकिन आपको कंसीडर दो ही कॉलम करने हैं, स्टाइल आईडी और सेलर एसकेयू कोड। स्टाइल आईडी मिंत्रा कैटलॉग टीम के लिए और सेलर एसकेयू कोड आपके लिए, क्योंकि आपको पता चले कि कौन से एसकेयू के सामने कौन सा स्टाइल आईडी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको इमेजेस उसको देनी है मिंत्रा की कैटलॉग टीम को, ठीक है। इसलिए ये दोनों आपको कॉलम कंसीडर करनी होगी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको आ जाना है ड्रॉप बॉक्स में, ठीक है। अगर ड्रॉप बॉक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि उसका लिंक आपको चाहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं डायरेक्टली ड्रॉप बॉक्स में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है मेरे सिस्टम में, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है फाइल वन करके, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी फोल्डर का नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने फाइल नेम दिया है, फाइल वन दिया है, और यहाँ पे जो मैंने सब फोल्डर क्रिएट किया है वो स्टाइल आईडी से किया हुआ है, यानी कि फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे स्टाइल आईडी दिया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इस स्टाइल आईडी के सामने ये जो प्रोडक्ट का सेलर एसकेयू कोड है ना, उसी के प्रोडक्ट होने चाहिए जो आपको रिप्लेसमेंट करवाना है। तो यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस लिए रेफरेंस के तौर पे, ठीक है, और यहाँ पे नंबरिंग कर दी है, आप देख सकते हो 1 to 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पोज फर्स्ट रखना है, कौन सा सेकंड रखना है, कौन सा थर्ड रखना है, ठीक है। वो सारा जैसा आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो ना लिस्टिंग में, वैसा नंबरिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको वापस आ जाना है, ठीक है। तो ये जो मेन फोल्डर था फाइल वन, इसका राइट क्लिक करके कॉपी ड्रॉप बॉक्स लिंक कर देना है, ठीक है, यानी कि इसका लिंक क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कॉपी ड्रॉप बॉक्स लिंक, ठीक है। इतना करने के बाद आपको आ जाना है फिर से मिंत्रा के पार्टनर पोर्टल अकाउंट पे, ठीक है, ये कॉपी हो गया है, ठीक है। तो अब हम टिकट रेज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टिकट कैसे रेज होगी, सपोर्ट में जाना है आपको, रेज द टिकट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पे। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है साइन इन विद SSO। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबमिटेड टिकट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कॉमर्शियल टाइप, यानी कि जो आपका अकाउंट है उसका कॉमर्शियल टाइप क्या है, CPMP है या एम डायरेक्ट या ओमनी है, तो आपका जो भी हो वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैटलॉग, क्योंकि कैटलॉग में हमें करेक्शन करवाने हैं इमेजेस में, ठीक है। उसके बाद इश्यू रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आएगी जनरल क्वेरी, ठीक है। उसके बाद
इश्यू कैटेगरी, तो यहाँ पे आएगा एग्जिस्टिंग न्यू इमेज अपडेट। ठीक है, हमें एग्जिस्टिंग लिस्टिंग की इमेज अपडेट करवानी है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर एंटर कर दिया है। ब्रांड नेम में आपको रजिस्टर ब्रांड नेम एंटर कर देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको अपना जो इश्यू है यानी कि जो चेंजेस करवाने हैं वो डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से टाइप करके रखा था ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देना होगा डिटेल्स। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो आपको मिंत्रा कैटलॉग टीम की तरफ से विद इन 48 आवर्स में आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।